हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे आप लोगों ने यहाँ पे जो YouTube एप्लीकेशन है उसमें कोई सेटिंग्स किया होगा तो यहाँ पे आपके फ़ोन में सेटिंग्स जो है ख़राब हो चुकी है पूरे तरीके से। YouTube के एप्लीकेशन में कोई भी सेटिंग आप यहाँ पे कर चुके हैं पूरा का पूरा जो है, यानी कि YouTube की जो सेटिंग है वो यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। और अब आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आपके फ़ोन में YouTube के एप्लीकेशन में पहले जैसा सेटिंग हो जाए, यानी कि जो पहले सेटिंग था वैसे ही हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे YouTube की जो सेटिंग्स है उसको ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में ना सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर आइए और नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक करना है। एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में आना है और मैनेज एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको इस तरीके से YouTube लिख लेना है। YouTube लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे YouTube को ओपन करिए। YouTube को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टोरेज पे आइए और यहाँ पे आपको नीचे में क्लियर डेटा का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करके इसका जो डेटा है वो आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों बस आपको इतना ही सेटिंग करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा करेंगे तो आपके जो YouTube की जो भी सेटिंग आपने किया रहेगा YouTube एप्लीकेशन में, तो जो सारी सेटिंग्स रहेगी वो यहाँ पे रिसेंट हो जाएगा। तो जैसे आपके फ़ोन में पहले YouTube में जो भी सेटिंग था वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।